हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक, मस्त। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक। कल हम आपको टेंस के बारे में बताए थे, टेंस का इंट्रोडक्शन आपको दिए थे, और हम कल की वीडियो में लास्ट में कहे थे आपको कि हम कल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आज आपको टेंस बता सब्जेक्ट बता देते हैं हम आपको सब्जेक्ट बता देते हैं क्योंकि आपको टेंस सीखने के पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। तो हम आज उसी में से एक सब टॉपिक सब्जेक्ट लेकर आए हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है किसी कार्य को करने वाला, जो कोई किसी कार्य को करता है। जैसे हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पर खेलने का कार्य कौन कर रहा है? मैं खेल रहा हूँ, खेलने का कार्य कौन कर रहा है? मैं कौन करता है? मैं खेल रहा हूँ ना, मैं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हो गए सब्जेक्ट। और सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे राम आम खाता है, यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? खाना। लेकिन खाने का कार्य कौन कर रहा? राम। इसलिए यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सब्जेक्ट करता यानी कार्य करने वाला, किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से थ्री पार्ट्स हैं? उसमें से पहला फर्स्ट पार्ट्स है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सेकेंड पार्ट को सेकेंड पर्सन कहते हैं, एंड थर्ड पार्ट को थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आते हैं आई और वी, बस यही आई वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं। और सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यू होता है। एंड थर्ड पर्सन ही सी इट एनी नेम, कोई भी नेम हो सकता है, अनदेन दे, ठीक। ये होते हैं सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, एंड थर्ड पर्सन में ही सी इट एनी नेम एंड दे, ठीक है। इन सब का यूज हम लोग टेंस में करते हैं और यही सब्जेक्ट होते हैं। आई वी यू ही सी इट एनी नेम दे, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। इनका हम लोग प्रयोग टेंस में करते हैं, इसीलिए हम आज आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बता रहे हैं, जिससे आप सब्जेक्ट को पहचान सकें और अपने टेंस में इसका प्रयोग कर सकें। और इसके हम लोग हिंदी देख लेते हैं। जैसे आई, आई को मैं कहते हैं हिंदी में, वी को हिंदी में हम कहते हैं, यू को तुम कहते हैं, ही को वह मेल के लिए, सी का वह फीमेल के लिए, एंड इट कभी यह होता है तो नॉन लिविंग के लिए, एंड दे का वे। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए ये आई आया है, यहाँ पे आई मैं खेल रहा हूँ, तो मैं खेल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हो गया, और राम यानी कि एनी नेम, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह हम लोग कोई भी टेंस या वाक्य ले लें, जैसे वह बाजार जाती है, इसमें वह हो गया सब्जेक्ट, मैं घर जाता हूँ मैं सब्जेक्ट हो गया, किरण खाना पकाती है किरण सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसे वह खेलती है, वह पढ़ती है, वे कहाँ जा रहे हैं, हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये आज हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। हमें उम्मीद है आपको सब्जेक्ट समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। और कल हम लोग वीडियो लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, धन्यवाद।